हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ गाइस, रेडमी नोट 10s फ़ोन के बारे में। और आज के मेरा टॉपिक होने लगा गाइस वो है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट के बारे में। अपन बात करेंगे आज, मैं आपको बताऊँगा आज के वीडियो में। जैसे कि आपको अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन में अगर आपको क्लॉक का ऑप्शन चाहिए, जैसे कि मेरे फ़ोन में दिखा रहा है क्लॉक, मैं आपको ऑफ़ करता हूँ। और यहाँ पे कोई दिखाई आपको क्लॉक का ऑप्शन दिखा रहा है मेरे फ़ोन के लॉक स्क्रीन में, तो आप इस लॉक स्क्रीन के क्लॉक फॉर्मेट को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में गाइस। देखिए आपको सिंपली फ़ोन की सेटिंग ऑन करना है एंड आपको यहाँ पर देखिए गाइस ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई देखिए गाइस लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। दिस सेटिंग डोस वर्क दिस थर्ड पार्टी थीम्स। अब इस पर क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लॉक स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी एक को चूज़ कर लेना है, उसके बाद आपको अपने लॉक स्क्रीन में सेट कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं आई गाइस सेट करने में, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो बनाऊंगा। सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।